Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. You guys are watching Pilaya Vlogs with another vlog. So guys, अभी आपने रोका वाला व्लॉग देखा होगा इससे पहले एंड इतना अमेजिंग रिस्पॉन्स आया है ना गाइज. वैसे ये चीज मैंने हमेशा से नोटिस किया कि आप लोगों को ना वेडिंग सीजन और फेस्टिव सीजन पे के कॉन्टेंट में ज्यादा इंटरेस्ट होता है. सो गाइज, जिसका आपने रोका व्लॉग देखा था उनकी आज इंगेजमेंट है. उनकी आज इंगेजमेंट है गाइज. एक मेजर डिफरेंस जो मैंने हमारी वेडिंग्स में और उनकी वेडिंग्स में देखा है, हमारे यहाँ पे ना जो प्रोपोज़ल सेरेमनी होती है तो तभी हो जाता है रिंग सेरेमनी या इंगेजमेंट जो भी होने होती है. उनके में क्या होता है कि पहले रोका हुआ था और अभी 21 को उनकी शादी है और आज 18 को रिंग सेरेमनी एंड सगन है. हमारे यहाँ पे आई गेस लगन होती है ना, उनके वहां पे उस टाइप से सगन होता है. सो आज वही है सगन एंड रिंग सेरेमनी. इससे पहले उनके वहां पे कीर्तन हुआ था और उनकी बैचलरेट, वो मैं अटेंड नहीं कर पाई, जिसके लिए मैं सॉरी हूँ. सो गाइज, आज का फंक्शन मैं आपको इसमें दिखाऊंगी. और मैंने ना एक बहुत प्यारा आउटफिट क्रिएट कराया था. आउटफिट क्या मतलब, साड़ी हमने बनवाई है. ये मेरा ब्लाउज है जो मेरे पुराने लहंगे का ब्लाउज है, आपने बहुत सारे में देखा होगा. अगर नहीं देखा तो मैं यहाँ अटैच कर रही हूँ. इस वाले लहंगे का ये ब्लाउज है और उसके साथ मैंने ये साड़ी बनवाई है. मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ गाइस. इतना परफेक्टली मतलब निकल के आया है ना आउटफिट. पहले ऐसे बनवाते हैं स्क्रैच से कुछ भी तो सोचते रहते हैं कि पता नहीं कैसा लगेगा कैसा लगेगा, बट ये काफी काफी अच्छा. हाँ जी, आर यू गाइज, बुलावा आ गया. सो मैं काफी अच्छा निकल गया ये आउटफिट. मैं अभी आपको मिरर में दिखाती हूँ और चलते हैं. वैसे ही ऑलरेडी लेट है, बहुत दूर जाना है, मतलब हमारे घर से काफी ज्यादा दूर है, 2 घंटे दूर है पूरे. चलो चलते हैं, सी यू देयर. जस्ट रीच्ड और 7 बजे निकले थे हम और 9:30 बजे पहुंचे हैं. बट चलो, थैंक गॉड कुछ स्टार्ट नहीं हुआ. अभी मैं दीदी के पास ही जा रही हूँ और देखते हैं उनका रिएक्शन, उनको उनका लुक, सब कुछ. मैं भी सबर ना है आज दिन. भैया वो बाहर ही आएंगे, आप इधर ही रहो. क्या कर रहा है मैडम? बाहर आएंगे ना, एक शॉट को अंदर नहीं किया तो कॉल कर दो. एक कॉल आप लोग भी इधर आइए. रियल रिएक्शन देना है. आई गिव नेवर यू टू. आइए मैम, बज गए 11. हम पहले ही 9:30 बजे पहुंचे थे, ये सोच के कि हम लेट हैं, 11 बज चुके हैं. एटी ब्राइड आई गेट. चलो पूरी क्लास आपको स्टॉक करने है. पूरा मिरांडा हाउस का लाकर व्लॉग देखे. मुझे इतने सारे रिक्वेस्ट आ गए डेली मिरांडा से, मतलब आई गॉट ऑल द अटेंशन. यू चोले तो मैं जानना तो मैं सब कुछ. रुको, इसे ऋषिकेश से बुलाया गया. बहुत दूर से.
थे और उसके बाद उनके वहाँ पे फंक्शन इतनी लेट स्टार्ट हुआ, पता नहीं हर बार इतनी लेट स्टार्ट होता है आई गेस। उनके यहाँ बहुत चिल सीन होता है, हमारे तो चलो 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 जाती है, बट उनके यहाँ पे बहुत चिल सीन होता है, बहुत आराम से होता है सब कुछ। तो हमने जितना आपने अभी ब्लॉग में देखा होगा ना एंट्री और रिंग्स एक्सचेंज वाला, उतना देख के हम लोग निकल गए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था निकलने के लिए ना। तो फिर हम लोग आ गए और डांस वगैरह सब कुछ बाद में होगा। अगर मुझे कहीं से क्लिप्स मिल पाएंगी तो मैं डाल दूंगी, वरना आप इतना ही ब्लॉग एंजॉय कर लो। और गाइज कैसा लग रहा था ये वाला लुक? तो मुझे कहीं से अगर क्लिप्स वगैरह मिलेंगी तो आई विल ऐड, अदरवाइज आप इतना ब्लॉग एंजॉय करो और अब देखते हैं कब जाना होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो यस, मैं आपको इसमें दिखाती हूँ अपने आउटफिट्स। तो चलो करते हैं इस वाले ब्लॉग को यहीं एंड, है ना, और मिलेंगे नए वाले ब्लॉग में। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स विशेस देके चले जाओ कमेंट सेक्शन में। चलो बाय।